नमस्कार दोस्तों, रीड माई सेल में आपका स्वागत है। हम लोग कक्षा 7 की जी पर्सनावली आज हम स्टार्ट करेंगे 5.1। देखो पांचवी पर्सनावली थी रेखा एम कोण, उसका मैंने बेसिक पढ़ा दिया। इससे जस्ट पहले का वीडियो उसी का ही है जिसमें बेसिक बताया गया है कोणों के बारे में और रेखा के बारे में। अब 5.1 स्टार्ट करते हैं। जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर हमारे जो 1, 2, 3। अब इसमें देखो निम्न का पूरक कोण ज्ञात करना है। तो मैंने आपको पढ़ाया था पूरक कोण क्या होता है कि मतलब दो कोई भी दो कोण होते हैं उनका क्या होता है, मतलब उनका योग कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो देखो यहाँ पे 20 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री योग होना चाहिए। तो दूसरा कोण कितने का बनेगा इसके अंदर, मैं इसका देखो हल यहाँ पे कर रहा हूँ। यदि मैं 90 में से 20 घटा दूँ तो बराबर कितना आएगा, 70 डिग्री आएगा। यानी एक कोण, यानी इसके एक कोण 20 डिग्री का आएगा तो दूसरा कोण कितने डिग्री का आएगा, 70 डिग्री का आएगा। अब देखो ये जो पहला का आंसर ये हो गया। अब देखो 63 डिग्री है, तो 90 डिग्री में से यदि मैं 63 डिग्री घटा दूँ तो कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे 7 और यहाँ पे कितना 2, कितना डिग्री आएगा, 27 डिग्री। तो ये दूसरे वाली आकृति दी हुई है 63 डिग्री का, उसका पूरा कोण क्या आएगा, 27 डिग्री। इसके बाद में 57 डिग्री है, यदि मैं 90 डिग्री में से 57 डिग्री घटा दूँ, 90 डिग्री में 57 डिग्री घटा दूँ तो मेरे पास आएगा 33 डिग्री। तो ये होगा इसका क्या, पूरक कोण। अब देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या देखा, दूसरे में निम्न का संपूरक कोण ज्ञात करो। देखो पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता था, यहाँ पर योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। चलिए इसका हल करते हैं प्रश्न नंबर 2 का। 105 डिग्री एक कोण है, दूसरा कोण कितने का होगा कि उसका योग 180 डिग्री हो जाए। यदि मैं 180 डिग्री में से 105 को मैं घटा देता हूँ, 180 डिग्री में से 105 को घटा देता हूँ तो देख लीजिए क्या आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा कितना, ये देखो मैं घटा रहा हूँ 5 और 7, 75 डिग्री। देखो दूसरा कोण कितने डिग्री का आएगा, 75 डिग्री। यदि 75 को 105 में जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। इसके बाद देखो 87 डिग्री, तो 180 डिग्री में से मैं घटा रहा हूँ 87 डिग्री को तो कितना आएगा, यहाँ पे 180 डिग्री में मैं 87 डिग्री को घटा रहा हूँ तो यहाँ पे आएगा 93 डिग्री। यानी इसका संपूरक कोण क्या आएगा, 87 डिग्री का 93 डिग्री आएगा संपूरक कोण। अब है 154 डिग्री, तो 180 डिग्री में से 154 को डिग्री को क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पे देखो कितना आएगा मेरे पास, 26 डिग्री। ये इसका क्या आएगा, संपूरक कोण आएगा। देखो आपको केवल ये ध्यान रखना है कि पूरक कोणों का योग 90 डिग्री और संपूरक का 180 डिग्री। जो प्रश्न नंबर 3 है वो भी इसी पर डिपेंड है, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। इसमें पूरक और संपूरक कोण अपने को छाँटना है। अब देखो इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसको और इसको जोड़ेंगे तो अपने पास योग कितना आता है देखते हैं, 180 डिग्री आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कोण आएगा समपूरक, ये कोण कहलाएगा समपूरक। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 90 डिग्री आता है तो ये कोण कहलाएंगे पूरक कोण। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री आता है तो ये कहलाएगा समपूरक, और इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये भी क्या कहलाएगा, संपूरक। और इन दोनों को 45-45, 90 डिग्री होता है तो ये कहलाएगा पूरक, और 80 और 10 को जोड़ते हैं 90 होता है तो ये भी क्या कहलाएगा, पूरक। तो हमारा जो प्रश्न नंबर 1, 2, 3 है जो यहाँ पे समाप्त होता है, केवल इसमें कोण बताने अपने को पूरक क्या है, संपूरक क्या है। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न में। देखिए इसके बाद हमारा जो प्रश्न नंबर 4 है वो क्या ज्ञात करा रहा है, एक ऐसा कोण ज्ञात करो जो अपने पूरक के समान हो। अपने को पता है कि पूरक कोण होते हैं उनका दो कोण होते हैं, उनका योग क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो देखो माना पूरक कोण क्या करेंगे, इसका ज्ञात करने के लिए माना पूरक कोण बराबर क्या माना, एक्स। यदि ये क्या कह रहा है कि अपने पूरक के समान हो, तो हम लोगों ने पूरक कोण एक्स माना तो दूसरा भी क्या होगा, दूसरा भी क्या होगा, एक्स और एक्स, यानी दोनों क्या हो गए, एक्स और एक्स। यदि मैं एक्स प्लस एक्स को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, यहाँ पे 90 डिग्री, यानी इनका योग क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो 2x बराबर क्या आएगा, 90 डिग्री। तो x बराबर क्या आएगा, 90 में किसका भाग देना है, 2 का, बराबर कितना, 45 डिग्री। ऐसा कोण ज्ञात करो जो अपने पूरक के समान हो, यानी दोनों कोण 45 डिग्री के होंगे तो वो अपने पूरक के समान होंगे। तो देखो 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री बराबर 90 डिग्री हो गया ये पूरक के समान, यानी दो पूरक कोण 45 डिग्री के होंगे तो उनका योग 90 डिग्री होगा और दोनों आपस में क्या होंगे, समान होंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, ऐसा कोण ज्ञात करो जो अपने संपूरक के क्या हो, समान हो। तो देखो क्या मानता हूँ, माना 2 संपूरक, जो संपूरक कोण है, माना 2 संपूरक कोण क्या मानते हैं,
पहला भी एक्स डिग्री और दूसरा भी क्या मानेंगे एच डिग्री, क्योंकि प्रश्न में क्या दे रखा है जो अपने संपूरक के समान हो यानी दोनों समान ही होने चाहिए तो वो कौन निकालना है अपने को। तो मैं एक्स प्लस एक्स को जोड़ता हूँ बराबर कितना आएगा संपूरक में 180 डिग्री, क्योंकि जब दो कोण अपने संपूरक होते हैं तो उनका योग क्या होता है 180 डिग्री। तो एक्स और एक्स कितना हो गया 2x हो गया और 180 डिग्री को ऐसे किसी में लिख रहा हूँ। एक्स बराबर 180 में किसका भाग देना है, दो का देना है, बराबर कितना आएगा 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री वो ऐसा कोण है जो अपने क्या है संपूरक के समान है। इसके बाद देखो प्रश्न नंबर से मैं आपको ऐसी आकृति दी हुई है जिसको प्रश्न ये कोण एक और कोण दो यहाँ पे दिया हुआ है और उसमें क्या दे रखा है कि कोण एक और दो आपस में क्या है संपूरक कोण है। ये अपने को भी दिख रहा है कि एक सीधी रेखा पर बना हुआ कोण क्या होता है संपूरक कोण होता है, क्योंकि एक सीधी रेखा के केवल 180 डिग्री का ही कोण बनता है सीधी रेखा पर। तो देखो ये आगे पूछ रहा है कोण एक में यदि कोण एक बड़ा कोण है दो से यदि एक को कम कर दे तो क्या फर्क पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कोण एक में कमी करने पर, कोण एक में यदि कोण एक को कम करेंगे तो क्या होगा कोण दो बढ़ जाएगा, कोण दो बढ़ जाएगा। ये तो हो गया अपना मतलब ये पूछ रहा है क्या परिवर्तन होगा। तो इसके आगे प्रश्न में ये और पूछ रहा है क्या दोनों फिर भी संपूरक होंगे, तो इसका जवाब होगा हाँ परिवर्तन के बाद भी दोनों क्या होंगे संपूरक होंगे, यानी दोनों का कोण फिर भी 180 डिग्री का ही होगा, दोनों के जो कोण बनता है उनका योग क्या होगा 180 डिग्री होगा संपूरक होंगे। तो ये हो गया हमारा इसी के साथ प्रश्न नंबर 4, 5 और 6। देखो जो हमारा प्रश्न नंबर 7 है वो क्या दे रखा है, क्या ऐसे दो कोण संपूरक हो सकते हैं। संपूरक का अब पहले बताओ तो बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, संपूरक कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है जो दोनों कोण के न्यून कोण। देखो न्यून कोण क्या होता है 90 डिग्री से कम के कोण, जैसे मैं दो कोण मान रहा हूँ 90 डिग्री से कम के, जैसे एक 80 डिग्री का और दूसरा मान लिया मैंने 60 डिग्री का, अब इनको जोड़ता हूँ तो कितना होता है 140 डिग्री होता है, 180 पे तो नहीं जाता है, यानी 90 डिग्री से कम के हो गए दोनों ही कोण तो ये कभी भी संपूरक कोण नहीं हो सकते। तो हमारा इसका जवाब है ना जो हाँ नामी जवाब देना है, क्या यदि दोनों न्यून कोण है तो क्या वो दोनों कोण संपूरक हो सकते हैं, बिल्कुल इसका जवाब क्या रहेगा नहीं, यानी दोनों संपूरक यदि दोनों कोण न्यून कोण है तो वो संपूरक नहीं हो सकते। उसके बाद देखो अधिक कोण है, यदि दोनों ही कोण अधिक कोण मतलब 90 डिग्री से बड़े हो गए, जैसे एक तो 110 डिग्री का हो गया और एक 120 डिग्री का हो गया, अब इनको जोड़ो कितना होता है ये 230 डिग्री हो गया, अपने को कितना चाहिए 180 डिग्री, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, यदि दोनों कोण अधिक कोण है तो वो भी क्या होंगे संपूरक कोण नहीं होंगे। इसके बाद अपना है समकोण, यदि दोनों कोण समकोण होंगे जैसे एक कोण 90 डिग्री का है तो दूसरा भी कितना 90 डिग्री का, अब इन दोनों को जोड़े कितना आता है 180 डिग्री आ गया इन दोनों को जोड़ने पर, यानी 180 डिग्री किसको बोलते हैं संपूरक कोण को बोलते हैं, तो इसका जवाब क्या आएगा हाँ में आएगा, यदि दोनों कोण समकोण है तो वो क्या कहलाएंगे संपूरक कोण कहलाएंगे। इसके बाद देखो एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, क्या इसका पूरक कोण 45 से बड़ा है 45 के बराबर है या 45 से छोटा है। तो देखो सबसे पहले देखो माना एक कोण 45 से x डिग्री बड़ा है, ये मान लिया मैंने, यानी देखो पूरा कोण होता है जो क्या होता है पूरा कोणों का योग कितना होता है हमेशा कितना होता है 90 डिग्री होता है, दो कोई भी दो पूरा कोण होते हैं तो कितना होगा 90 डिग्री हो गया। तो ये एक कोण क्या है 45 से बड़ा है, जैसे 45 से बड़ा कितना मान लिया हमने x डिग्री मान लिया, तो ये हो गया 45 प्लस x डिग्री। तो दूसरा कोण देखो 45 से बड़ा होगा, यदि 45 से बड़ा होता है दूसरा कोण तो ये किससे ज़्यादा चला जाएगा, जैसे मैं पहली कंडीशन पे देखो यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ 45 लिख रहा हूँ, 45 से 45 कितने हो गए 90 डिग्री प्लस x डिग्री, ज़्यादा जा रहा है ना तो ये पॉसिबल नहीं है, 45 के बराबर है ये तो 45 से बड़े की बात हो गई, यहाँ पे 50 वगैरह कुछ होती है 45 डिग्री होता तो भी ज़्यादा जा रहा है, और यदि 45 से कम है तो ये पॉसिबल है तो हम लोग इसको लिखेंगे, तो इसके बराबर दूसरा कोण क्या होगा दूसरा कोण संपूरक होगा ना, जैसे प्लस दूसरा कोण हमेशा क्या होगा 45 डिग्री से क्या होगा छोटा, जितना एच डिग्री बड़ा है ना उतना ही क्या होगा उससे छोटा होगा, तभी उसका योग क्या आएगा 90 डिग्री आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 45 से छोटा, 45 डिग्री से छोटा होगा। तो इसी के साथ ये प्रश्न समाप्त, चलते हैं अगले प्रश्न में।
लेकिन जो हमारा प्रश्न नंबर 5 है उसमें देखो ये आकृति दे रखी है, अभी बीच में केंद्र बिंदु पे हुआ है और इसके अंदर जैसे यहाँ से इस केंद्र बिंदु से 5 रेखाएं निकल रही है और जैसे इनका नाम दे रखा है ए बी सी डी और ई, यहाँ पे कोण 1 2 3 4 5 ये नाम दिया हुआ है आपकी पुस्तक में दे रखा है। तो इसके जो क्वेश्चन दे रखे हैं 6, इसके आधार पर हमें इन 6 क्वेश्चनों के जवाब देने हैं। पहला देखो, क्या कोण 1 और कोण 2 आसन कोण है। अब देखो जो कोण 1 और कोण 2 आसन कोण ये दोनों पास पास है ना, मैंने जो इसका जो पहला वीडियो बनाया था बेसिक में आसन कोण क्या होते हैं, एक पुस्तक की तरह होता है, जैसे किसी पुस्तक को हम लोग खोलते हैं तो बीच में उसका एक उभयनिष्ठ रेखा आती है उसके बीच में, तो वो कहलाता है आसन कोण। तो इसका जवाब क्या आएगा, हाँ में आएगा, यानी ये दोनों क्या होंगे, आसन कोण होंगे। उसके बाद देखो कोण ए ओ सी, जैसे कोण ए ओ और सी आ गया, उसके बाद हम कोण ए ओ ई, ए ओ ई। अब देखो क्या कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी का आसन कोण है, ये आसन कोण नहीं होगा क्योंकि इसमें बीच में रेखा उभयनिष्ठ नहीं आ रही, ये तो बीच में फ्री हो रहा है, जैसे ये अलग हो गया और ये कोण अलग हो गया। यदि ये कोण और ये कोण आता तो आसन कोण होता, या फिर कोण एक के साथ ये कोण आता तो आसन कोण होता, लेकिन ये कोण अलग है तो इसका जवाब क्या आएगा, नहीं। इसके बाद कोण सी ओ ई, जैसे कोण सी ओ और ई, इसके बाद में ये जो कोण है इसके बाद पूछ रहा है कोण ई ओ डी, तो कोण ई ओ और डी रैखिक युग्म है। देखो ये रैखिक युग्म कहाँ से, देखिए रैखिक युग्म मैंने कोण बताया था कि एक सीधी रेखा पे, ये जो सीधी रेखा है इस पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का बनता है, और इस पर कोई दूसरी रेखा कोण बनाती है तो उसके ये वो कोण कहलाते हैं रैखिक युग्म। लेकिन इसमें तो कोई सीधी रेखा हो ही नहीं रही, देखो ये वाला अलग टेढ़ा जा रहा है और ये देखो यहाँ से थोड़ी सी झुकी हुई है, ये सीधी होती तो रैखिक युग्म माना जाता, लेकिन ये नहीं मानी जाएगी, तो इसको मैंने मान लिया, इसको आंसर आएगा इसका नहीं। इसके बाद देखो कोण बी ओ डी, जैसे कोण बी ओ और डी, ये वाला कोण है 4 नंबर, कोण डी ओ ए, तो कोण डी ओ ए क्या कहे, संपूरक कोण है, बिल्कुल ये संपूरक कोण है क्योंकि देखो ये ए वाली रेखा ने एकदम सीधे में जा रही है, एकदम सीधी रेखा, तो ये सीधी रेखा में से 180 डिग्री का कोण बनाती है, तो इसका जवाब क्या आएंगे, हाँ ये दोनों क्या होंगे, संपूरक कोण होंगे। इसके बाद देखो कोण एक का, जो कोण एक है उसका शीर्षाभिमुख कोण 4 है। देखो कोण के एक के सामने क्या है, इसके शीर्ष के सामने कोण 4 है ना, तो इसका जवाब भी क्या आएगा, हाँ आएगा। देखो कोण 5 का शीर्षाभिमुख कोण क्या है, देखो जो कोण 5 है ना, देखो ये जो कोण 5 है उसका शीर्षाभिमुख कोण, यानी इसके शीर्ष के सामने देखे तो कौन कौन से कोण आ रहे हैं, 2 और 3। यदि कोण 5 का शीर्षाभिमुख कोण क्या आएगा, कोण 5 का शीर्षाभिमुख कोण, ये जो शीर्षाभिमुख कोण है वो क्या क्या आएंगे, कोण कौन कौन सा कोण आएगा, कोण 2 + कोण 3, ये आएंगे इसके शीर्षाभिमुख कोण। तो ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 9। देखिए आपके सामने प्रश्न नंबर 10 और 11, इसको हल करते हैं। कोणों का कौन सा युग्म, ये जो आकृति दे रखी है उसमें पूछ रहा है कोणों का कौन कौन सा युग्म शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख मैंने आपको बताया था आमने सामने के कोण। देखो सबसे पहले कोण एक से स्टार्ट करता हूँ, यानी युग्म बनाने, तो युग्म मैं बना रहा हूँ एक तो कोण एक और कोण कोण एक के सामने क्या है, कोण 4, एक तो ये हो गया युग्म, यानी कोण एक के सामने कोण 4, एक जोड़ा तो ये हो गया। इसके बाद देखो और कौन कौन से कोण है, जो आमने सामने कोण 5 के सामने कोण 2 और 3, कोण 5 है उसके सामने कौन कौन से आएंगे, कोण 2 + कोण 3, ये क्या हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण हो गए, ये तो आमने सामने के कोण हो गए। उसके बाद में यहाँ पे देखो रैखिक युग्म, यानी एक रेखा पे दो कोण बने होते हैं तो उसको बोलते हैं रैखिक युग्म। जैसे ये एक रेखा है सीधी, इसके ऊपर कौन कौन से कोण बने, कोण 1 और 5, तो पहला तो क्या हो गया, कोण 1 और कोण 5, पहला तो ये हो गया। और ये जो सीधी रेखा है उस पर देखो कौन से कोण बनाए, कोण 4 और 5, एक है कोण 4 और कोण 5। उसके बाद देखो ये जो रेखा है उसके इस तरफ देखो कौन कौन से कोण बने हैं, कोण 1, 2 और 3, तो कोण 1, कोण 2 और कोण 3। उसके बाद देखो और कोई बन रहा है, इस रेखा पे हमने इस तरफ कर लिया, इस तरफ इस रेखा पे ऊपर वाले कर लिया, अब नीचे वाले बच रहे हैं कौन कौन से कोण, कोण 2, कोण 3 और कोण 4, कोण 2, कोण 3 और कोण 4। रैखिक युग्म कोण में ये ध्यान रखना है, एक सीधी रेखा होती है उसके ऊपर दूसरी रेखा टच होती है ना, यानी सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, दूसरी रेखा कोई भी टच होती है तो रैखिक युग्म कहलाएंगे। अब देखो प्रश्न नंबर 11 में क्या पूछ रहा है, क्या कोण 1 और कोण 2 का आसन कोण है, ये कोण आसन कोण है क्या। यहाँ पे देखो आसन कोण हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो आसन कोण उसके अंदर क्या होता है, एक उभयनिष्ठ कोण होता है आसन कोणों में, यानी एक उभयनिष्ठ कोण होता है, जैसे कि
यही मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। जैसे पहला कोण क्या हो जाएगा, पहले कोण को नाम देते हैं हम लोग, जैसे ए है, ओ है और बी है, तो पहले कोण को नाम क्या देंगे यहाँ पे, ए ओ बी, और दूसरे कोण का नाम क्या देंगे, ए ओ सी। तो यहाँ पे एक रेखा उभयनिष्ठ आ रही है बीच वाली, तो ये हो गया आसन कोण। तो इसमें देखो कोई उभयनिष्ठ आ रहा है क्या, बिल्कुल इसमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं आ रहा, तो क्या आसन कोण नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे आसन कोण नहीं है। कारण पूछ रहा है ना कि क्योंकि इसमें कोई भी रेखा उभयनिष्ठ नहीं है, क्योंकि इसमें उभयनिष्ठ, क्योंकि इसमें उभयनिष्ठ रेखा नहीं है, ये हो गया इसका कारण। और ये के दोनों कोण, कोण एक और दो क्या है, एकांतर कोण है, कोण एक और दो, इसको एकांतर या क्या बोलते हैं, मतलब एकांत कुछ भी बोल लो, एकांतर, एकांतर कोण है यहाँ। अब देखो ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 10 और 11। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। देखिए जो प्रश्न नंबर 12 है उसमें देखो एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करा रहा है यहाँ पे। तो एक्स वाई जेड का जैसे ये बता दूँ रेखा, तो ये देखो 55 डिग्री दे रखा है, बाकी कुछ भी नहीं दे रखा है यहाँ पे। तो देखो एक्स का मान कैसे निकालेंगे, एक्स के शीर्ष अभिमुख क्या है 55 डिग्री, तो एक्स बराबर कितना आएगा 55 डिग्री, क्यों आएगा, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख क्या है, कोण है, यानी आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये कितना हो गया यहाँ पे 55 डिग्री, 55 डिग्री हो गया। इसके बाद देखो एक्स का 55 डिग्री है, तो देखो एक सीधी रेखा पे कोण बनता है 180 डिग्री का। तो देखो बाकी जैसे मैं वाई का मान निकालूंगा, वाई का तो कितना आएगा, 180 डिग्री में यदि मैं 55 डिग्री घटा दूँ, 180 डिग्री में 55 डिग्री घटा देता हूँ, तो क्या मान आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आएगा 115 डिग्री, 115 डिग्री, तो 115 डिग्री आएगा। तो उसमें देखो 100 यह घटा लो, 5 आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 2 आएगा, 125 डिग्री आएगा। 125 डिग्री में 55 जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, यानी वाई का मान कितना आ गया, 125 डिग्री। अब देखो वाई के शीर्ष अभिमुख क्या है, जेड, वाई के शीर्ष अभिमुख जेड है ना, तो जेड बराबर भी क्या होगा, 125 डिग्री। और कारण क्या देंगे यहाँ पे, शीर्ष अभिमुख कोण है इस कारण। अब देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो वही आकृति दी हुई है सेम ही, इसमें अपने को यदि समपूरक पूरक शीर्षाभिमुख कोणों का पता है तो इसको भी हल कर देंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे आमने सामने कोण बराबर है, तो क्या करना है, तो 40 के बराबर कौन सा दिख रहा है, जेड, जेड बराबर क्या आएगा, 40। कारण क्या देंगे, शीर्षाभिमुख कोण, तो जेड का मान तो क्या आ गया यहाँ पे, 40 आ गया। अब यदि जेड का मान 40 है तो देखो वाई का मान कितना आएगा, देखो ये कि ये सीधी रेखा है और सीधी रेखा पर कितने का कोण बनता है, 180 डिग्री का आता है, तो वाई बराबर 180 डिग्री माइनस कितना, 40 डिग्री, बराबर कितना आएगा, 140 डिग्री, ये आ गया वाई का मान। इसके बाद में निकालना में एक्स का मान, एक्स देखो एक्स डिग्री को मैं जोड़ता हूँ यहाँ पे, एक्स जो भी मान है मैं नहीं पता है, 40 डिग्री जोड़ता हूँ प्लस 25 डिग्री जोड़ता हूँ, यदि मैं इन तीनों को जोड़ दूँ तो कितने, किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के बराबर आएगा। देखो एक्स प्लस 40 प्लस 25 यहाँ पे होता है 65 डिग्री, बराबर कितना आएगा, 180 डिग्री। यदि x का मान निकालना है तो 180 में से क्या घटाना है, 65 घटाना है, बराबर देखो कितना आएगा यहाँ पे, देखो कितना आता है, 5, 1 और 1, 115 डिग्री। तो x का मान क्या आ गया, 115 डिग्री। तो ये तो आ गया x का मान, y का मान 140 आ गया, z का मान 40। तो इसमें भी हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। इसके बाद चलते हैं हमारे अगले प्रश्न में। ये हमारी बुक दे रही है उसमें अंदर प्रश्न नंबर 13 रिक्त स्थानों की पूर्ति करवा रहा है यहाँ पे। देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं 13 क्वेश्चन का हल कर रहा हूँ यहाँ पे। जो पहला हमारा रिक्त स्थान है उसमें देखो क्या आता है कि यदि दो कोण पूरक है तो उनके कोण मापों का योग क्या आएगा। मैंने पहले फटा चुका हूँ, मैं पूरक कोण के जो माप होते हैं उसका योग आता है 90 डिग्री। उसके बाद दूसरे में चलते हैं, दूसरे में देखो दो कोण समपूरक है तो उनके मापों का योग कितना आएगा, समपूरक में आता है 180 डिग्री। उसके बाद रिक्त स्थान 3, उसमें देखो रेखिक युग्म बनाने वाले कोण, रेखिक युग्म बनाने वाले कोण क्या होते हैं, आसन कोण होते हैं। तो देखो आसन कोण, आसन कोण यह आएगा तीसरे रिक्त स्थान में। अब मैं चौथे में चलता हूँ, चौथे रिक्त स्थान में यदि दो आसन कोण समपूरक, हाँ जी ये रेखिक युग्म बनाने वाला कोण है ना, समपूरक कोण होता है, समपूरक, रेखिक युग्म बनाने वाला कोण समपूरक कोण होता है। इसके बाद देखो
यदि दो आसन कोण संपूरक है तो वे क्या बनाएंगे? रैखिक युग्म बनाएंगे, रैखिक युग्म। यदि दो कोण संपूरक है तो क्या बनाएंगे? आपस में रैखिक युग्म बनाएंगे। तो इसके बाद देखो प्रश्न नंबर 5 में, 5वां देखो, रिक्त स्थान के, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण जैसे ये आमने सामने कोण क्या होते हैं, आपस में समान भर लो या बराबर भर लो, एक ही बात है। तो इसके अंदर क्या आएगा? समान। इसके बाद हमारा 6 नंबर, 6 नंबर पे चलते हैं। देखो रिक्त स्थान में 6 नंबर पे, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो यदि शीर्षाभिमुख कोणों का एक युग्म न्यून कोण है तो शीर्षाभिमुख कोण का दूसरा युग्म क्या होगा? देखो यहाँ पे जैसे कोई भी दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही है, यदि ये कोण यहाँ पे 60 डिग्री का ही आ रहा है तो ये भी 60 डिग्री का ही होगा, तो बाकी की ये युग्म तो न्यून कोण हो गया, तो ये बाकी का बचा हुआ कोण क्या होगा? अधिक कोण आएगा। तो यहाँ पे भरेंगे हम लोग अधिक कोण। ये हो गया अपने रिक्त स्थान पूरे। इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर हमारे 14 में। देखिए यहाँ पे देखो कोणों के युग्म के नाम देने यानी जोड़े बताने, इसमें जो जो प्रश्न पूछ रहा है ये जो आकृति दी हुई है उसके अंदर से अपने को बताना है। शीर्षाभिमुख अधिक कोण यानी जो आमने सामने कोण बराबर होते हैं तो ऐसे कुछ कोणों का युग्म बताना है जो अधिक कोण हो और आमने सामने का हो। तो देखो इसके अंदर जो अधिक कोणों में देखो शीर्षाभिमुख कोण कौन सा दिख रहा है? एक तो AOD, जो ए और डी है ना ये है कोण AOD, और इसके साथ इसके सामने वाला क्या है? BOC, तो कोण BOC ये हो गया जोड़ा। इसके बाद देखो आसन पूरक कोण, देखो पूरक कोण क्या होता है कि जिसका कोणों का योग क्या होता है? 90 डिग्री होता है, तो उसको पूरक बोलते हैं। तो आसन पूरक कोणों का युग्म देखो यहाँ पे, देखो ये 90 डिग्री बन रहा है ना, तो कौन सी कोण है इसके अंदर? कोण BOA, ये जो कोण है कोण BOA, एक कोण तो ये हो गया, और इसके बाद कोण AOE, कोण AOE, इन दोनों के अलावा कोई भी दो कोण मिलकर 90 डिग्री का कोण नहीं बना रहे, तो ये हो गया आसन पूरक कोण। अब आएगा समान संपूरक कोण। देखो ऐसा युग्म बताते हैं जो समान संपूरक यानी पूरक तो 90 डिग्री, संपूरक 180 डिग्री, तो समान संपूरक कोण यानी जो 90 90 डिग्री के होंगे तो कौन कौन से कोण होंगे? कोण BOE और कौन कौन सा बनेगा? EOD, ये दो कोण हो गए। इसके बाद देखो असमान संपूरक कोण, असमान कोण बताने हैं जो नब्बे मतलब क्या बनाते हैं, मतलब 90 180 डिग्री का कोण बनाते हैं संपूरक कोण में। तो देखो कौन कौन से कोण है, पहले तो AOB, कोण AOB, एक कोण तो ये हो गया संपूरक कोण में लेने अपने को। फिर इसके साथ ही AOD, ये जो इन दोनों मिलके क्या बनाते हैं? 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। इसके बाद दूसरा युग्म लिखते हैं हम लोग, दूसरा युग्म लिखते हैं, मैं यहाँ पे दूसरा युग्म लिख रहा हूँ AOE, AOE, और AOE के बाद में EOC, EOC, दो जोड़े हो गए जो संपूरक कोण बनाते हैं यानी असमान कोण है। और अब इसके बाद में इस रेखा पे और बना लेता हूँ मैं BOC, कोण BOC, और BOC के बाद में COD, कोण COD। इस प्रकार आप लोग युग्म लिख सकते हैं। इसके बाद देखो आसन कोण जो रैखिक युग्म नहीं बनाते, आसन कोण बताने हैं जो रैखिक युग्म नहीं बनाते यानी एक रेखा पे नहीं बनते, फिर भी क्या है? आसन कोण है। तो देखो यहाँ पे ये देखो ये कोण है ना, ये कोण एक रेखा पे नहीं बन रहा है फिर भी क्या है? आसन कोण है। तो इसमें देखो मैं बता रहा हूँ आसन कोण बताने अपने को, कोण BOA, कोण AOE, एक तो ये हो गया, ये आसन कोण है जो रेखा में युग्म नहीं बनाता यानी एक रेखा सीधी रेखा में नहीं है। इसके बाद में ये देखो ये EOC वाला कोण है, इसके बीच में देखो ये DB बन रहा है। तो इसके बाद में एक और जोड़ा बता रहा हूँ मैं यहाँ पे EOD, और इसके बाद में DOC, ये दूसरा जोड़ा ये हो गया। तो इसके बाद में जो रेखा में युग्म नहीं बनाने वाले, देखो जो रेखा ये तो सीधी रेखा बन रहे हैं और ये सीधी रेखा भी हम लोगों ने बनाई दिया। इसके बाद में ये एक और जोड़ा बच गया, कौन सा बच गया? AOE, कोण AOE, और देखो EOD, कोण EOD। इस प्रकार आप लोग
इनको आराम से करते हैं। अब यदि आप लोग पर्सनावली 5 को यदि स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो इन लोग इन प्रश्नों को तो आराम से बिना देखे हल कर सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे ने एक एक क्वेश्चन को हल करा दिया, और कहीं भी आपको इनका एक एक क्वेश्चन हल नहीं कराया जाएगा, आपको एक दो क्वेश्चन करवा के बता देते हैं, बाकी इनके सेम में करना है, लेकिन हम लोग यहाँ पर आपको एक एक क्वेश्चन का हल करवा रहे हैं। तो चलिए, यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में।